मॉर्निंग दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन पे। आज के क्लास से जो है सेमेस्टर फोर वाले स्टूडेंट के हेल्पफुल होंगे जिनका कोर पेपर 8 पॉलिटिकल साइंस होगा, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं, वो है निशस्त्रीकरण का अर्थ स्पष्ट करें तथा द्वितीय महायुद्ध के बाद निशस्त्रीकरण के प्रयासों को व्याख्या करना होगा। तो आप लोग याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे तरफ से। याद रखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। आप लोग चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। परिचय को आप देख सकते हैं। देखिए, निशस्त्रीकरण का अंग्रेजी अनुवाद होता क्या होता? डिजार्समेंट होता। क्या होता? डिजार्समेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं निशस्त्रीकरण का अर्थ। निशस्त्रीकरण का अर्थ क्या होता है? कि विनाशकारी हथियारों, अस्त्रों, शस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगाना तथा उपलब्ध विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना। तो निशस्त्रीकरण के ये क्या होता है? अर्थ होता है। ओके, नेक्स्ट शब्दों में, तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसका अर्थ था कि शास्त्रों को सीमित करना जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में हो। मतलब शास्त्र होंगे उसको सुरक्षित करना है जहां तक राष्ट्र हित का क्या सुरक्षा हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि निशस्त्रीकरण एक कार्यक्रम क्या है? एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हथियारों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को कम करना है, ठीक है। उससे प्रकृति से उत्पन्न जितने भी खतरों होंगे उसको क्या करना? कम करना है। और निशस्त्रीकरण से हथियारों की सीमा निर्धारित करने व उन पर नियंत्रण करने की ध्वनि निकलती है ना। मतलब उसको नियंत्रण करना है, ठीक है। जो निशस्त्रीकरण का होता है, हथियारों पर क्या करना? नियंत्रण करना है, ठीक है। आगे देख सकते हैं, निशस्त्रीकरण का जो लक्ष्य होता है वो होता है अशक्त रूप से निशस्त्र कर देना है, नहीं तो वरना इस समय में जो हथियार पाए जाते हैं उनके प्रभाव को हटा देना। मतलब जो भी हथियार या तो पाए जाएंगे या उसके हथियार के जो अशक्तता को उसको ही खत्म कर देना, या तो प्रभाव को उसको क्या करना? हटा देना, घटा देना, ठीक है। ये काम होता किसका? निशस्त्रीकरण का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसका उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? कि विदेशी स्तर पर अपने भेदभाव को हटाना, देश में शांति स्थापित करना, ठीक है। मतलब उसका भेदभाव हटाना ही इसका क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो इसी प्रकार से हम निशस्त्रीकरण के अर्थ को हम लोग वर्णन कर सकते हैं ना, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब लास्ट में लिख दीजिए निशस्त्रीकरण का इतिहास का जो क्या इतिहास में क्या प्रयास किया गया निशस्त्रीकरण के लिए, उसको देखते हैं। चलिए कि निशस्त्रीकरण की जो दिशा में किए गए प्रयासों के इतिहास में अनेक असफलता और कुछ सफलताओं की कहानी, मतलब इतिहास में कहानी भी इसका क्या है? लंबा चौड़ा है ना, आप इसको लिख सकते हैं। देखिए, परिणामों की असफलता का मुख्य कारण निशस्त्रीकरण के लिए राष्ट्रों में सदिच्छा का अभाव है। मतलब क्या होता है? निशस्त्रीकरण को कोई अपनाना ही नहीं चाहता, इसी के कारण इसका क्या होता है? असफलता का मुख्य कारण होता है। देखिए कि प्रथम युद्ध महायुद्ध से पूर्व शक्ति ही सबसे बड़ा न्याय था, अतः उस काल में निशस्त्रीकरण के लिए किए गए प्रयासों का विशेष महत्व नहीं रहा। मतलब उस समय शक्ति दिखाना ही सबको महत्व समझता था, ठीक है। इसमें है ना, उस समय अंग्रेज भी भारत पर राज करता था, बहुत सारे देश पर अपने दूसरे कब्जा था, तो उस समय शक्ति प्रदर्शन ही किया जाता था। तो उस समय निशस्त्रीकरण का प्रयास करना क्या था? विशेष महत्व नहीं रहा था, ठीक है। लेकिन विश्व के देशों को निरस्त करने ना तो किसी के आवश्यकता अनुभव की थी और न इस दिशा में प्रयास किए गए थे, ठीक है। लेकिन सन 1899 के हेग सम्मेलन में बस यह प्रस्ताव को पारित हुआ था। क्या था? बस यह पारित हुआ था, है ना। क्या होता? पारित हुआ था। और मानवता के भौतिक और नैतिक कल्याण के लिए सैनिक हथियारों का नियंत्रण अत्यंत क्या था? आवश्यक था, ठीक है। इस तरह से इसके बारे में लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट, दूसरे हेग सम्मेलन 1907 में इस बात की संतुष्टि की गई थी कि विभिन्न राष्ट्रों की सरकारें इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। मतलब पहला में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरा में इस पर विचार करने का कोशिश किया गया था, ठीक है। लेकिन प्रथम महायुद्ध में हुए नरसंहार ने युद्ध की भयानकता से भावी संस्थियों को बचाने के लिए निशस्त्रीकरण के लिए की आवश्यकता सिद्ध कर दी गई थी, है ना। तो इस तरह से द्वितीय महायुद्ध, मतलब इस तरह से इसके निशस्त्रीकरण के इतिहास को हम लोग प्रयास में इतिहास किया गया था, इतिहास में भी प्रयास किया गया था निशस्त्रीकरण को, इसको हम लोग वर्णन कर सकते हैं। अब देखते हैं द्वितीय महायुद्ध के बाद निशस्त्रीकरण में निम्नलिखित प्रयास किया गया था, इसको पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। तो पहला पॉइंट है, देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर की दूसरी धारा में निशस्त्रीकरण की चर्चा की गई हो गई है। चार्टर में निशस्त्रीकरण के बारे में संयुक्त राष्ट्र ही जिम्मेदारी महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों पर डाल गई थी,
किस पर डाली, दोनों पर डाल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि चार्टर ने निस्त्रीकरण संबंधी उपबंधों को की निवारण करने के लिए पहला कदम कब उठाया था, 15 नवंबर 1945 को, ठीक है, जब कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका की सरकारों ने एक घोषणा प्रकाशित करके यह प्रस्ताव रखा कि परमाणु ऊर्जा के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण पर कार्य करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र सहयोग आयोग की स्थापित किया जाएगा, मतलब CBT का, है ना। तो इस बात को जब रखा गया था, है ना, तो इस चीज़ को ये निश्चितीकरण का क्या होता, वहाँ से पहला कदम उठाया गया था, कब, 15 नवंबर 1945, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महासभा ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की, ठीक है, जिसके सदस्यों में सुरक्षा परिषद के सभी राष्ट्रों के साथ साथ कनाडा भी था, कौन था, कनाडा भी था। और परमाणु ऊर्जा आयोग की पहली बैठक में अमेरिका ने एक राष्ट्रीय परमाणुकरण के लिए बारूक योजना एजेंस लिथियन की थी। इस योजना के अनुसार परमाणु ऊर्जा आयोग को विखंडनीय पदार्थों के विवाद की सब अवस्थाओं का नियंत्रण निरीक्षण करना था, ठीक है, और उसे परमाणु अस्त्रों के परीक्षण करने का और परमाणु ऊर्जा के शांतिकलन लाओं को बढ़ावा देने का अन्य अधिकार दिया गया था, मतलब शांति करने का अधिकार दे दिया गया था। और सोवियत संघ ने बारूक योजना के निरीक्षण संबंधी और खानों तथा फैक्ट्रियों के अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व और प्रबंधन संबंधी उपबंधों पर आपित की गई थी, मतलब इसको रोकने का तैयार किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि 13 फरवरी 1947 को सुरक्षा परिषद ने पारस्परिक हथियार असहयोग की स्थापना की, जिसके सदस्य वे सब देश ही थे जो सुरक्षा परिषद के सदस्य थे, ठीक है, और इस आयोग को वे कार्य करने की मनाही थी जो परमाणु ऊर्जा आयोग को सौंप दिए गए, तो परमाणु ऊर्जा आयोग जो बनाया गया था उस पर जो सौंपे गए थे सब कार्य वो मनाही कर सकते थे, सब कार्य कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि बारूक योजना के विफल के रूप में, विफल कब होता है, 11 जून 1947 को सोवियत संघ ने कुछ प्रस्ताव को पेश किए थे, कब किए थे, पेश किए थे, जिसमें सोवियत योजना में एक परमाणु नियंत्रण प्रणाली की शर्तें और सिद्धांत स्थिर करने की बात कही थी, ठीक है, और बाद में सितंबर 1947 में सोवियत संघ ने एक वर्ष में तिहाई एक तिहाई हथियार और सेना घटाने का प्रस्ताव रखे थे, ठीक है, निःशस्त्रीकरण के कारण, है ना। आगे देखिए, 11 फरवरी 1952 को छठी महासभा ने संयुक्त राष्ट्र संघ निस्तृत्व आयोग की स्थापना की, जिसने परमाणु ऊर्जा आयोग और पारस्परिक हथियार आयोग दोनों का स्थान ले लिया था, ठीक है, दोनों को क्या लेता है, स्थान ले लेता है। तो ऐसा निश्चित किया गया कि निस्तृत्वीकरण आयोग सुरक्षा परिषद के नियंत्रण में कार्य करेगा और इस आयोग ने दो समिति की स्थापना की थी। एक समिति को चारों से सेनाओं के नियमन का कार्य सौंपा गया और दूसरी समिति को यह कार्य दिया गया कि वह राष्ट्रों द्वारा सेनाओं व हथियारों के संबंध में दी गई सूचनाओं को विचार विमर्श करेगी, मतलब दो समिति बनाया गया था, दोनों का काम को क्या कर दिया था, बांट दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि 31 मार्च 1958 को सोवियत संघ की सुप्रीम सोवियत ने यह घोषणा की कि वह ऊर्जा परीक्षण बंद कर रहा है, क्या कर रहा है, ऊर्जा परीक्षण जो है उसको बंद कर रहा है और दूसरे राष्ट्र भी उसका अनुसरण करें। अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने इस प्रस्ताव को सोवियत संघ का प्रचारात्मक कार्य बतलाया था, मतलब ये कहते हैं कि ऊर्जा परीक्षण को वो बंद कर रहा है तो सभी देश भी इसको क्या करें, ऊर्जा परीक्षण को बंद कर दें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 31 अक्टूबर 1958 के दिन जेनेवा सम्मेलन में निस्तृतीकरण के विषय में अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, ठीक है। सोवियत संघ का मत था कि सभी प्रकार के आणविक परीक्षण सदा के लिए बंद कर दिया जाए, जबकि ब्रिटेन और अमेरिका निरीक्षण पद्धति के साथ एक वर्ष के लिए आणविक परीक्षणों को बंद करने के पक्ष में थे, कितने वर्ष के लिए, केवल एक वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सन 1960 में निस्तरीकरण पर विचार करने के लिए जनेवा में 15 मार्च को 10 राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ था, कितने राष्ट्रों का, 10 राष्ट्रों का क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था, और इस बार एक साथ दो सम्मेलन भी हो रहे थे, कितने, दो सम्मेलन, तो एक 10 राष्ट्रों का निस्तरीय सम्मेलन था तथा दूसरा आणविक क्लब के 3 सदस्यों का
अनुपरीक्षण का निषेध करने के संबंध में वार्ताल कर रहा था, बातचीत कर रहा था, लेकिन इन दोनों सम्मेलनों में कोई प्रगति नहीं हो सकी। निशस्त्रीकरण और नियंत्रण पर दोनों पक्षों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाना अवसमानवीय था। मतलब वहाँ पर दोनों सम्मेलन में निशस्त्रीकरण का पर बात अच्छी तरह से नहीं हुआ था, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि सन 1963 की आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि 14 जुलाई 1963 को ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका के प्रतिनिधियों को का मास्को में एक सम्मेलन हुआ। क्या हुआ था? एक सम्मेलन हुआ। कब? 25 जुलाई 1963 को इन तीनों देश ने एक समिति मतलब अर्ज प्रतिबंध संधि मतलब अजू प्रति अनु प्रतिबंध संधि जो है ना उस पर हस्ताक्षर किए थे। मतलब दोनों समिति मिलकर अनु प्रतिबंध संधि पर क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं। और इस संधि के द्वारा भूगर्भ परीक्षणों को छोड़कर, ठीक है, बाहरी आकाश, समुद्र, वायुमंडल अनुपरीक्षण करने पर रोक लगा दी गई और इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। कौन कौन ने किए? चीन, इसका विरोध किया और भारत हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों को आग्रह, तो मतलब भारत हस्ताक्षर कर देता, चीन इस पर हस्ताक्षर नहीं करता है, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाहरी आकाश संधि 1966। बाहरी आकाश संधि भी शांति की भारत में एक संरचनात्मक संधि था, ठीक है, संरचनात्मक संधि था। और इस संधि द्वारा अमेरिका, सोवियत संघ, रूस तथा ब्रिटेन ने बाहरी आकाश में न्यूक्लियर शस्त्रों का भेजा जाना निषिद्ध मान लिया, ठीक है। और इस आकाश का प्रयोग वैज्ञानिक स्रोतों और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, ठीक है, है ना। कोई भी राज्य बाहरी आकाश की किसी भी भाग पर राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का संस्था नहीं करेगा, ठीक है, तथा चंद्रमा और खगोलीय पिंडों पर सैनिक अड्डे स्थापित नहीं किए जाएंगे। और 19 दिसंबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र ने इस संधि स्वीकार कर लिया, ठीक है। कब स्वीकार करता है? तो 9 दिसंबर 1966 को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि निशस्त्रीकरण दशक जो होता है 1970 से लेकर 1980 और 1970 से लेकर 10 साल के लिए निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया गया था। क्या गया था? दशक घोषित किया गया था। और निशस्त्रीकरण दशक का प्रारंभ बहुत ही आशयपूर्ण हुआ क्योंकि इसके प्रारंभ होने के कुछ समय बाद ही 5 मार्च को अनु अपसार संधि 1968 लागू हो गई, क्योंकि इस संधि निर्धारित सदस्यों को सरकारों का अनुसमर्थन कर दिया गया था, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र निशस्त्री सम्मेलन 1978 मई जून में संयुक्त महासभा का अधिवेशन निशस्त्रीकरण के बारे में विचार करने के लिए विशेष रूप से आयोजित किया गया था। इसमें कितने देश शामिल थे? 20 देश शासन अध्यक्ष स्वयं आए थे। सोवियत संघ विदेश संबंधी श्रमिकों ने अपने भाषण में ठोस मुद्दे उठाए। सभी तरह के परमाणु शस्त्र और अनेक उत्पादन को समाप्त करना, सभी किस्म के विनाशकारी अस्त्रों को प्रतिबंध और अनेक उत्पादन को समाप्त करने की दिशा पर कदम उठाया। अधिक विनाशकारी परंपरागत हथियारों को त्यागने का आश्वासन दिया गया। मतलब अब अधिक जो अधिक विनाशकारी होगा उसको अब नहीं चलाना है, यूज नहीं करना। तो भारत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजाई देसाई ने अपने भाषण में घोषणा की कि हमें अपने आप यह संकल्प लिया है कि इस परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं करेंगे और ना ही इन्हें कहीं से प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से आप इसी प्रकार से हम द्वितीय महायुद्ध के बाद निशस्त्रीकरण के प्रयास को हम लोग क्या कर सकते हैं? वर्णन कर सकते हैं। लास्ट में आप क्या लिख दीजिए? निष्कर्ष लिख दीजिए। किस तरह से? कि उपयुक्त विषयों को पढ़ने से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि निशस्त्रीकरण एक ऐसा कार्यक्रम है जो विश्व में हथियारों को बढ़ाने से रोकता है और विश्व में शांति स्थापित करता है। इतना आंसर लिखिए, आपको पक्का 20 मार्क्स मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आंसर पसंद आया तो आप लोग आंसर को शेयर जरूर कीजिएगा, सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।